सब्सक्राइब बटन दबाएं और बॉलीवुड की सारी खबरें पाएं। जब फिर से हो जन्म तेरा यही ज़हनियत हो तेरी, जब फिर से हो जन्म तेरा यही ज़हनियत हो तेरी, और जब फिर से इस देश से नाम जुड़े तेरा यही शख्सियत हो तेरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कभी कभी अदिति मायापुरी कट के साथ। तो आज जिन शख्स की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है श्री हरि कृष्ण गोस्वामी। नहीं समझे, श्री हरि कृष्ण गोस्वामी यानी कि मनोज कुमार। पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे इस सितारे का बचपन भारत के विभाजन के बाद दिल्ली के एक रिफ्यूजी कैंप में बीता। बचपन की इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी आज भी उनका यही कहना है कि जिसका बचपन मर गया उसका सब मर गया। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि बचपन में जिस तरीके से आप वो दीवार लांग कर आम के बागों में आम तोड़ने के लिए जाते थे ना, उस बचपन को आप भी कभी मत मरने देना। एक चुहू किसी के जीवन में क्या कर सकता है, थोड़ी सी रोशनी दे सकता है, थोड़ी सी खुशी दे सकता है ना? पर तब क्या जब एक चुहू ने किसी की जिंदगी में ऐसी चिंगारी जलाई हो जिसने पूरे भारत को रोशन किया हो। दरअसल मैं बात कर रही हूँ फिल्म चुहू की, जिसे देखने के बाद ही मनोज कुमार ने ये फैसला ले लिया था कि मैं भी एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में ही जाऊंगा। अब ये हुआ कैसे, इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो हुआ कुछ यूं कि मनोज कुमार जी जब जुगनू फिल्म देखकर लौटे तो उसने उन्हें ध्यान दिया कि जो एक्टर है वो मर जाता है। फिर जब दूसरी फिल्म अपनी मामू जान के साथ मनोज कुमार जी देखने गए, जिस मूवी का नाम था शहीद, उस मूवी में भी जो मेन हीरो रहता है वो मर जाता है। तो घर आकर वो बड़ी मासूमियत से अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ हम कितनी बार मरते हैं। तो उनकी माँ ने हंसकर जवाब दिया, बोली एक बार। और फिर मनोज कुमार जी ने एक सवाल किया, उन्होंने पूछा कि और जो बार बार मरते हैं उनको क्या कहते हैं। उनकी माँ ने फिर से हंसकर जवाब दिया कि उनको फरिश्ता कहते हैं। तो मनोज कुमार ने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी एक फरिश्ता बनेंगे। तो लो भाई, हिंदी सिनेमा के वो फरिश्ते ही तो हैं जिन्होंने भारत को मीनिंगफुल सिनेमा दिया। इस फरिश्ते को अपना पहला रोल 19 साल की उम्र फिल्म फैशन में मिला था, जिसमें उन्हें 90 साल के एक बूढ़े का किरदार निभाना था। इसके बाद छोटे छोटे रोल करके वो आगे बढ़े और उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला लीड हीरो के तौर पर फिल्म कांच की गुड़िया में। अगर इंसानियत में तुम्हें पाप की झलक दिखाई देती है तो ये तुम्हारी समझ का कसूर। और फिर क्या था, ना इनकी कलम रुकी, ना इनका अभिनय रुका, ना इनका निर्देशन रुका और ना ही इनका जज्बा थका। एक मूवी शहीद की थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने शहीद भगत सिंह का रोल किया था। कोई माँ अपने बेटे को देश के लिए हंसते हुए रुखसत नहीं करे। उस मूवी को देखने के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनसे जय जवान जय किसान नारे पर एक फिल्म बनाने को कहा और तब मूवी बनकर आई उपकार। बस फिर क्या था, इनकी सारी फिल्मों में देशभक्ति की ऐसी लहर चली कि ये बन गए भारत कुमार। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। एक इंटरव्यू के एक किस्से को याद करते हुए ये कहते हैं कि एक बार ये पान की दुकान के बाहर सिगरेट पी रहे थे और तभी एक नौजवान लड़की वहां से गुजरी और उन्होंने इनको इतना तेज डांटा कि तुम भारत कुमार होकर सिगरेट पी रहे हो, आर यू अशेम्ड ऑफ इट। बस उसके बाद तो ऐसा हुआ कि मनोज कुमार ने अपनी आने वाली किसी भी फिल्म में हीरोइन को टच तक नहीं किया। यूं तो इन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया पर इन्हें इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म बेईमान के लिए 1972 में बेस्ट अभिनेता का मिला था। जो दूसरा अवार्ड था वो इन्हें बेस्ट निर्देशक का मिला था 1975 में रोटी कपड़ा और मकान मूवी के लिए। 1992 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
तो परसों मैं जब मनोज कुमार के ऊपर इंटरनेट पर कुछ रिसर्च कर रही थी तो मुझे मायापुरी मैगजीन के 100वें अंक में एक वाक्य पढ़ने को मिला और इस वाक्य ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। तो उनसे ये सवाल किया गया था कि आप खुद को भारत कुमार और इतना आदर्शवादी जाहिर करते हो पर अपनी फिल्मों में कैदी के द्वारा सेक्स को पेश करते हो। तो मनोज कुमार जी ने हंस कर जवाब दिया कि सेक्स, हिंसा आदि हमारे जीवन का हिस्सा है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और जो नजरअंदाज ना किया जा सके वही यथार्थ है। 81 साल के हो के भी उन्हें रिटायरमेंट शब्द का अर्थ समझना ही नहीं है। आज भी उनमें एक नौजवान की तरह सितार सीखने की ललक बाकी रह गई है पर अब उनकी सेहत उन्हें इजाजत नहीं देती। आखिर में मैं मनोज कुमार जी के लिए ये दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ कि हमें नाज है, अभिमान है, हमें नाज है, अभिमान है, इस हिंद के ताज को हमारा सलाम है। मायापुरी परिवार और आप सभी की ओर से मनोज कुमार जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी खाते और मनोज कुमार जी की खाते इस वीडियो को लाइक, कमेंट करना और घंटी बजाना मत भूलना और शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्ते।